श्रीराम के रूप में भगवान विष्णु का पुनर्जन्म यह दर्शाता है कि श्रीराम एक बहुत ही अच्छे राजा थे और उनके पुनर्जन्म का मुख्य लक्ष्य था दैत्यराज रावण की हत्या करना। रावण लंका का राजा था। वह बहुत शक्तिशाली था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसने अपनी क्रूरता से मनुष्यों और देवताओं को काफी तंग किया। तब मदद के लिए सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया, मैं बहुत जल्द भूलोक पर मानव जन्म लूंगा और रावण की क्रूरता का अंत करूंगा। राजा दशरथ अयोध्या पर राज किया करते थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उनके 4 पुत्र थे, राम यानी भगवान विष्णु, लक्ष्मण यानी आदिशेष नाग, भरत और शत्रुघ्न, शंख और चक्र, भगवान विष्णु के शस्त्र। चारों राजकुमारों ने ऋषि विश्वामित्र से धनुर्विद्या सीखी। जिस दौरान वे ऋषि विश्वामित्र के साथ रह रहे थे, उन्होंने ताटका नामक की एक राक्षसी को मारा था। राजा जनक की बेटी सीता ने स्वयंवर में राम को अपना पति चुना और फिर रीति रिवाजों के मुताबिक धूमधाम से उनकी शादी रचाई गई। जब राजा दशरथ ने राम को राजा बनाना चाहा, तो रानी कैकेयी ने मांग की कि उनके पुत्र भरत को राजमुकुट पहनाया जाए और राम को 14 साल के वनवास पर भेजा जाए। राजा को रानी की यह बात माननी पड़ी। आज्ञाकारी राम सीता और लक्ष्मण के साथ जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां उनका सामना शूर्पणखा नाम की राक्षसी से होता है। वह राम से मांग करती है कि वे उससे शादी कर लें। राम के मना करने पर वह सीता को मारने की धमकी देते हुए उस पर आक्रमण करने दौड़ती है। जैसे ही लक्ष्मण को उसके दुष्ट इरादों का पता चलता है, वे उसकी नाक और कान काट देते हैं। शूर्पणखा रावण की बहन थी। वह तुरंत यह घटना अपने भाई को बता देती है। क्रोधित रावण दैत्य मारीच को आज्ञा देता है कि वह स्वर्ण मृग यानी सोने का हिरण बनकर उन्हें धोखा दे। जैसे ही सीता स्वर्ण मृग देखती है, वह राम से उसे लाने की जिद करती है। और जैसे ही राम उसे लाने जाते हैं, रावण सीता का हरण कर लेता है। सीता की खोज के दौरान राम और लक्ष्मण की भेंट वानर राजा सुग्रीव से होती है। सुग्रीव उन्हें मदद करने का आश्वासन देता है। वानर सेना की मदद से उन्हें पता चलता है कि सीता लंका में कैद है। सीता को बचा लाने के लिए राम, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना मिलकर समुद्र पर एक पुल यानी सेतु बनाते हैं। जब रावण सीता को नहीं ले जाने देता, तब वानर सेना और असुर सेना के बीच घमासान युद्ध होता है। लड़ाई में रावण का पुत्र इंद्रजीत और उसका भाई कुंभकर्ण राम और लक्ष्मण के हाथों मारे जाते हैं और अंत में असुरराज रावण भी राम के हाथों मारा जाता है। अयोध्या लौटने पर राम को राजमुकुट पहनाकर राजा घोषित किया जाता है। उनके शासन राम राज्य में राज्य की जनता खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती थी। वे एक बहुत ही अच्छे शासक थे। लोग उन पर पूरी तरह भरोसा करते थे। आंध्र प्रदेश में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान श्री राम का मंदिर न हो।